उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 3 दिन तक रहेगा घना कोहरा। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। आज का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छाया घना कोहरा। 6 ट्रेनें हुई रद्द। देर से चल रही है कई ट्रेनें। कश्मीर घाटी में भी ठंड का कहर जारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। डल झील का पानी जम चुका है। शीतलहर की चपेट में राजस्थान। कई हिस्सों में घना कोहरा रहने की संभावना। जयपुर सहित कई जिले घने कोहरे की चपेट में आए। तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के नागौर में तापमान में हुई गिरावट। ठंड की वजह से बढ़ी ठिठुरन। मनाली विंटर कार्निवल का हुआ आगाज। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं पर्यटक। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर एसोसिएशन के साथ सरकार की बड़ी बैठक। कहा हिट एंड रन पर नया कानून अभी लागू नहीं। ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की। फतेहाबाद में ट्रक चालकों की हड़ताल का रहा असर। पेट्रोल कमी की अफवाह से लंबी कतारें देखने को मिली। थाने में कई पेट्रोल पंपों पर भीड़। पेट्रोल पंप बंद की अफवाह से लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। आज केरल दौरे पर होंगे पीएम मोदी। त्रिशूर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। लाखों महिलाएं होंगी शामिल। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई महासचिवों की बैठक। भारत में आई यात्रा की तैयारियों पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। सत्ताधीशों के लिए धर्मनिरपेक्षता बन गई अपमानजनक। लोकतंत्र को कमजोर कर रही है मौजूदा सरकार। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी सरकार को घेरा। अनेकता में एकता देश की धरोहर। चुनिंदा लोगों को मिल रहा है फायदा। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सीएम सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। विधायक दल की बैठक पर बीजेपी का बड़ा दावा। निशिकांत दुबे बोले इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी के बयान पर सीएम सोरेन का पलटवार। कहा दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। पत्नी को सीएम बनाने की बात पूरी तरह से खारिज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर अधिसूचना जारी कर सकती है सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन। कथित शराब घोटाले के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया। केजरीवाल को समन पर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस। केजरीवाल को पूछताछ के लिए जाना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी का बड़ा अभियान। 25 जनवरी से 25 मार्च तक श्रद्धालुओं को कराएंगे दर्शन। अयोध्या में हर दिन 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम। मंदिर दर्शन करने वालों का स्वागत करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। देश के 430 शहरों से अयोध्या जाएंगी ट्रेनें। देश के हर बूथ के लोग करेंगे रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल को सौंपी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी। हरियाणा के मानेसर में बन रही है 823 फीट की प्रतिमा। अयोध्या से काशी के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। एक ही दिन में कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ और रामलला के दर्शन। 15 से 17 जनवरी के बीच हेलीकॉप्टर सेवा हो सकती है शुरुआत। यात्रा में लगेंगे कुल 40 मिनट। अयोध्या में बड़ी राम मंदिर मंडल और दरबार की मांग। मंडल और दरबार से सजे हुए हैं बाजार। अयोध्या में राम भक्तों के लिए सरकार का खास प्लान। पर्यटकों के लिए चलाई जा रही है इको फ्रेंडली गोल्फ कार। अयोध्या में रामलला का आयोजन किया गया। रामलीला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की 50 महिलाएं ले रही है बढ़ चढ़कर हिस्सा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित। सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां। सरयू अतिथि गृह की सड़कों पर लाइटों से सजाया गया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले चप्पे चप्पे पर लगेंगे सीसीटीवी। ट्रेन से आने वालों के लिए मिलेंगी बस सेवाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता। राम मंदिर के ट्रस्टी ने दी ये जानकारी। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच बड़ा वार पलटवार। अखिलेश बोले मुख्यमंत्री भगवान से बड़े नहीं है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का पलटवार। कहा समाज में खाई पैदा कर रहे हैं कुछ लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक्शन में आए सीएम योगी। लखनऊ में की समीक्षा बैठक।
ओवैसी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी, बीजेपी ने साधा निशाना, गिरिराज बोले ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला, कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों के साथ उद्धव ठाकरे ने मिलाया हाथ। कार सेवक की गिरफ्तारी पर गरमाई कर्नाटक की सियासत, सिद्धरमैया बोले बरी होने तक अपराधी रहता है शख्स। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा का विवादित बयान, हम काशी और मथुरा में भी बनाएंगे मंदिर। कार सेवक की गिरफ्तारी पर भड़की बीजेपी, आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। बैठक में स्थानीय सूचना तंत्र मजबूत करने पर जोर, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर की गई चर्चा। पाकिस्तान से हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगेगी रोक, ड्रोन रोधी तकनीक पर फोकस, 3 एंटी ड्रोन टेक्निक पर हो रहा है काम। भारत और यूएई की सेनाओं ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, 15 जनवरी तक चलेगा डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, कहा महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। देश में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट के कुल 312 मामले सामने आए, 45 से ज्यादा आपको बता दें फीसदी केस केरल में दर्ज किए गए। देश में कोरोना के 573 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की संख्या अब 4500 के पार हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 16 मामले दर्ज किए गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अभी हालात काबू में है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर आएगा बड़ा फैसला। दिल्ली के बवाना इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग से लाखों का नुकसान का अनुमान। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को दी स्कूल को उड़ाने की धमकी, एक साथ 8 राज्यों में बम ब्लास्ट की जानकारी। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में की बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग को लेकर अपराधियों ने की छापेमारी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एक और याचिका, सील किए गए हिस्से की सफाई की मांग की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, संयोजक बनाए जाने की बात पर कसा तंज। दिल्ली के ओखला विधायक अमानुल्लाह खान के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, कई ठिकानों पर की गई छापेमारी, जानकारी आई सामने। एमसीडी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, स्थानीय बाजार में पार्किंग लगाए जाने पर विरोध। ग्वालियर में डीआईजी की पत्नी को ऑनलाइन मेड लेना पड़ा महंगा, नौकरानी के नाम पर 37,000 की ठगी की गई। मुजफ्फरपुर में स्कूल से गायब रहने वाले 15 शिक्षकों पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के टोंक में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक में बस को मारी टक्कर, महिला समेत आपको बता दें कई लोगों के घायल होने की जानकारी, साथ ही कुछ लोगों की मौत। आजमगढ़ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एक महिला सहित 18 अपराधियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जयपुर में कार्रवाई करने गई जेडीए टीम पर पथराव, अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी टीम। यूपी के फतेहपुर में शादी से मना करने पर एक तस्वीर सामने आई, पुलिस पूरे मामले की कर रही है कार्रवाई। कासगंज में पुलिस के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, जमीन विवाद में पुलिस की कार्रवाई से नाराज था शख्स। यूपी के बस्ती में डाकू गैंग की दहशत, पोस्टर लगा कर दे रहे हैं खुलेआम धमकी, पोस्टर में 10 दिन में पूरे गांव को लूटने की धमकी दी गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आया हनी ट्रैप का नया मामला, अश्लील चैट के बाद मांगी गई 2.5 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी। जैसलमेर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में माफियाओं ने मंदिर तोड़कर जमीन पर किया कब्जा, नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई, बंद कराया गया अवैध निर्माण। कानपुर में जेल से छूटने के बाद युवक ने की आत्महत्या, पत्नी ने दर्ज कराई थी रेप की केस। जयपुर में कब्रिस्तान के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक के शरीर पर चोट के मिले निशान, जांच में जुटी हुई है पुलिस।
सिग्नेचर ब्रिज के पास कार सवार ने की लोगों को कुचलने की कोशिश, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इटावा के अस्पताल में नियमों को ताक पर रखकर हुई विदाई समारोह, प्रशासनिक अधिकारी के विदाई समारोह में बजे ढोल नगाड़े। मध्य प्रदेश के सतना में मोबाइल की शॉप से लाखों की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश लगातार जारी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, केपटाउन में होगा महामुकाबला। रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं दूसरा टेस्ट मैच, कप्तान रोहित ने कहा सभी खिलाड़ी फिट हैं, युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना जरूरी है। जिमनास्ट दीपा कर्माकर और राकेश पात्रा ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लिया भाग, 8 साल बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। जीनी।